हाय ऑल, अगर आज आप लो फील कर रहे हो या आपकी कही जाने की इच्छा नहीं है तो आज का ये एपिसोड मेरी कहानी मेरी जुबानी आपको जरूर मोटिवेट करेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं, नहीं अभी नाम बताना बाकी है। आज के हमारे गेस्ट है सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ मेड मैन। जनता इनके पास आती है अपनी समस्या लेकर, लेकिन जब वापस जाती है चेहरे पर मुस्कान लेकर। ही इज अ डायनामिक, ही इज अ ऑब्जर्वेंट, ही इज अ कंपैशनेट, ही इज अ थॉटफुल, ही इज ऑप्टिमिस्टिक एंड ही इज अ रिलायबल। Yes, your guess is correct. He is a doctor by profession, Mr. Pankaj Pagde, MD, MBBS. ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वही बन जाए। ऐसे ही हमारे कर्मयोगी डॉक्टर पंकज बागड़े अपने कर्म को ही पूजा मानने वाले अपने मरीजों की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो अपने हर एक पेशेंट का ऐसे ख्याल रखते हैं जैसे कि वो इनका पहला पेशेंट हो। पेशेंट की तकलीफ को समझकर उनके डिसीज को क्योर करने के साथ ही उनके दिल को छू लेते हैं। जैसे कि कार्ल जंग ने कहा है, मेडिसिन क्योर डिसीजेस बट ओनली डॉक्टर्स कैन क्योर पेशेंट्स। चलिए सुनते हैं अपने कोरोना वॉरियर डॉक्टर पंकज बागड़े को मेरी कहानी मेरी जुबानी। मैं मिसेस खुशबू पंकज बागड़े, बीइंग अ डॉक्टर्स वाइफ। पंकज के बारे में अगर बोलना है तो पंकज अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत ही अच्छे तरह से बैलेंस करना जानते हैं। पेशेंट के साथ साथ फैमिली को किस तरह से वक्त देना है, बच्चों के साथ किस तरह से वक्त बिताना है, बच्चों के साथ बच्चे बनकर खेलना, ये उन्हें अच्छी तरह से आता है। पंकज अपने लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव पर्सन रहे हैं। निगेटिव वर्ड्स ये उनके डिक्शनरी में कभी था ही नहीं और कभी ना ही होगा। एक हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप बस पंकज से बात कर लो और आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है। पंकज जी अपने लाइफ में बहुत ही लविंग पर्सन रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग रहे हैं। इन 5 सालों के सफ़र में मैंने उन्हें बहुत हार्ड वर्क करते देखा है और मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि पंकज मेरे लाइफ में है और इसी तरह से बने रहे। माझं नाव सुनीता भीमराव जुहुमने आणि मी सिटी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये 10 वर्षापासून काम करत आहे। सरांचा स्वभाव खूप चांगला आहे आणि सर नेहमी पेशंटला खूप चांगल्या याने ट्रीट करतात आणि सरांचा एकच उद्देश असतो की हर एक पेशंट हा चांगला होऊन घरी गेला पाहिजे। छोटी छोटी बातें में बड़ी बड़ी खुशियां, बड़ी बड़ी खुशियां सबसे हमेशा हंसते रहना चाहिए। वही जिंदगी है। सर वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू। आपका जो स्कूलिंग और कॉलेज है वो अमरावती से हुआ है, तो आपके क्या याद है स्कूल और कॉलेज के बारे में? स्कूलिंग राइट फ्रॉम स्कूलिंग टू ग्रेजुएशन मैं अमरावती में ही था पढ़ाई के लिए। मेरा जो स्कूल था या KG 1 से लेकर 10th तक मैं सेंट जॉर्ज इंग्लिश प्राइमरी स्कूल और ज्ञान माता सेकेंडरी स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है। और स्कूल्स की अगर यादें बोले तो हम सबकी कुछ यादें होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, आप मुझे ऐसे लगता है कि किसी भी पर्सन के लाइफ का सबसे जो बेसिक स्कूलिंग होता है वो कहाँ से होता है, वहाँ पे उसका जो बेस है कितना पक्का होता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट। और मैं यहाँ पे बड़े खुश उत्साह से कहना चाहूँगा कि जो स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट जॉर्ज या ज्ञान माता, यहाँ से मुझे एक विशेष कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। और वो कॉन्फिडेंस ऐसे था कि मैं लाइफ में कहीं पे भी जाऊँ, कहीं पे भी खड़ा रहूँ या अननोन पर्सन हो, नोन पर्सन हो, उनके साथ बैठूँ तो मैं वहाँ पे अपने आप को एक पॉजिटिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके। और ये कॉन्फिडेंस मुझे मेरे स्कूलिंग से मिला। अच्छा। मदर फादर का हमेशा हर जैसे मदर फादर का रहता है कि बच्चा डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, बस इतना ही है। करेक्ट। लेकिन आफ्टर 12th ये क्वेश्चन जब सामने खड़े हुए तब महसूस हुआ कि ये कितने बड़े क्वेश्चन है। फिर साइंस होने की वजह से सारी स्ट्रीम्स ओपन थी, मेडिकल फील्ड ओपन था, इंजीनियरिंग फील्ड ओपन था। MBBS ही आपको करना है, ये फिर आपको कैसे लगा, क्यों लगा? घर में कोई डॉक्टर होना चाहिए और उनकी उम्मीदें मुझसे कुछ ज़्यादा थी। ओके। घर वालों की थोड़ी इच्छा थी, बहुत दृढ़ इच्छा थी और मेरी भी शायद अंदर से थी कि मुझे डॉक्टर बनना ही है। और फिर इसलिए अगर फ्री सीट में एडमिशन नहीं मिलता है तो इन लोगों ने पेमेंट सीट का ऑप्शन ओपन रखा था
जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट मेरे माता पिता की बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और उस हिसाब से उन्होंने अगर फ्री सीट में मेरी एडमिशन मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है तो फिर पेमेंट सीट में कैसे एडमिशन दी जाए, इस बारे में भी उन्होंने सोच के रखा था। तो दे विल वेल प्रिपेयर कि आपको डॉक्टर ही बनना, डॉक्टर ही बनाना है। यस, बट फॉर्चुनेटली पेमेंट सीट में अमरावती में पंजाब राव देशमुख में कुछ सीट्स खाली थी। ओके। और फिर पिताजी ने बड़ी हिम्मत लगा के, और हमारी माताजी ने और पिताजी ने बड़ी हिम्मत लगा के और पूरा सोच के, एडमिशन दिलाना ही है, बच्चे को डॉक्टर करना ही है, इस उद्देश्य से मुझे पेमेंट सीट में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में 1998 में एडमिशन दिलाई। राइट। तो अभी जैसे आपने बोला कि आपका पेमेंट सीट पे हुआ है, राइट, तो यहाँ पे खर्चा तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो ऐसा कोई मन था कि जहाँ पे आपको हर साल पैसे देना ही है, तो फिर फैमिली वालों की जो तड़जोड़ होती थी घर के अंदर, स्टार्ट फ्रॉम सेविंग, स्टार्ट फ्रॉम बाहर घूमना वगैरह जो भी एंजॉयमेंट थे, वो तो पूरा बंद हो चुका होगा, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल। और हर साल जैसे जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोगों को फीस भरनी पड़ती थी, राइट, तो इस जुलाई महीने की मेरी जो खास यादें है इस फीस से जुड़ी हुई, हमेशा दुख होता था कि दो मार्क अगर मैं और पढ़ लेता, राइट, और थोड़ी ज्यादा मेहनत करता, तो ये जो मेरे वजह से हर साल की फीस जो लाखों में जा रही है, राइट, ये कहीं ना कहीं बचे जा सकती। करेक्ट। और वो जब वो फीस देने मैं खुद जाता था अपने फादर के साथ, और वो जब फीस देने का वो मोमेंट होता था, तो उस वक्त बहुत दुख होता था कि ये सब मेरे वजह से हो रहा है, उनको पूरे साल भर सिर्फ मेरे वजह से, इस चीज के वजह से इन लोगों को अपना लाइफ में काफी कॉम्प्रोमाइजेस एडजस्टमेंट करना पड़ा है। मैंने सुना कि जब आप MBBS कर रहे थे, राइट, और जब आप फाइनल ईयर को आए, तो आपको जब आप घर के बाहर एक दिन बैठे थे तो आपको जोर का चाटा मिला मम्मी से, उसका रीजन क्या था? कभी कभी देखिए कि मेरा मानना ऐसा है कि लाइफ में अगर आप दो स्टेप पीछे आते हैं तो उसका मतलब कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप चार स्टेप आगे जाने वाले हैं। जैसे शेर छलांग मारता है पीछे जाके शिकारी। जी बिल्कुल, उसी शेर के हिसाब से मेरे साथ वो हुआ था। अच्छा। और उस मोमेंट को मैं हमेशा ही याद रखता हूँ, क्योंकि वो मोमेंट, मैं जब भी डिप्रेस होता हूँ वो मोमेंट मेरे लिए हमेशा ही एक स्फूर्ति देता है, एक पॉजिटिव वाइब्स मुझ में देता है कि नहीं, अगर मैं वहाँ से अगर आया हूँ तो मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। राइट। हुआ यूँ था कि मैं फाइनल MBBS फेल हो गया था। ओके। और चार में से तीन सब्जेक्ट में फेल हो गया था, और उस फेलियर का रीजन था मेरा ओवर कॉन्फिडेंस। और मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं क्यों फेल हुआ, ऐसे क्या कहा, मेरी गलती हो गई है। और तभी मुझे एक जोर से मेरे पीठ पे एक चाटा पड़ा। हाँ। और मैं एक मिनट के लिए मैं खुद ही समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है, और फिर जब देखा तो मम्मी ने मुझे, मेरे पीछे मम्मी खड़ी थी, और उसका एक ही सवाल था कि मैं फेल कैसे हुआ। ओके। और ये मैं मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल हुआ था। ओके। कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम या ऐसी एग्जाम जो मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करती, तो ये मेरे पूरे एजुकेशन करियर में फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैं फेल हो गए। तो मुझे भी गिल्ट फील हो ही रहा था, बट घर वालों को भी बहुत आश्चर्य लग रहा था कि ये फेल कैसे हुआ। और वो चाटा मुझे आज भी याद है और वो हमेशा याद रहेगा। ओके। जैसे सर आपने बताया था कि जुलाई मंथ, राइट, इसके पहले वाला क्वेश्चन, तो ऐसा अक्सर होता है लोगों के साथ में कि जो चीज उस इंसान को ज्यादा तकलीफ देती है वही चीज उसको जाके आगे तसल्ली देती है या फिर खुशी देती है। तो जुलाई मंथ का फिर आपका जैसे एक वो आप हमेशा बोलते कि एक बैड फेज था कि जब पूरा परिवार सेविंग करता था मम्मी पापा को क्योंकि आपकी स्कूल की फीस या कॉलेज की फीस भरनी है, तो बाद में कभी ऐसा हुआ कि वही जुलाई मंथ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक हैप्पी मोमेंट बन के सामने? बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पास्ट जुलाई का जो एक्सपीरियंसेस थे वो काफी पीछे रह गए। ओके। जो न्यू जुलाई के एक्सपीरियंसेस है वो मेरे साथ अभी हमेशा रहेंगे। मेरी शादी 13 जुलाई को हुई है, right, इसलिए वो अभी जुलाई महीने मेरे लिए अच्छा हो गया है। तो मतलब ये बात तो तय है कि आपको जब आप कॉलेज में थे तभी भी आपको जुलाई मंथ में सेविंग करके पैसा खर्चा करना पड़ता था, और अभी भी आपको जुलाई मंथ में सेविंग करके कुछ ना कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए पैसा खर्चा करना ही पड़ता है। वो तो बट ऑब्वियस है। ओके। तो इसके साथ में जैसे कि मुझे पता है, राइट, कि बीइंग अ नॉन डॉक्टर वाइफ, ओके,
हाउ डज शी हेल्प यू इन योर डेली बिहेवियर? नॉन मेडिको वाइफ, ये जो कंसेप्ट है ये गलत है बेसिकली। वाइफ को नॉन मेडिको मेडिको करके देखना ही नहीं चाहिए, बट देखते हैं क्योंकि हमारे समाज में डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर ही होती है। बट राइट, डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर नहीं होने के बहुत सारे फायदे हैं, और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे हॉस्पिटल में मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ वो ये कि हमारी मैडम पूरा हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, राइट फ्रॉम स्टाफ, ऑफिस, जो क्लीनिंग और जो छोटे छोटे इश्यूज रहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, राइट, जिसमें बीइंग अ डॉक्टर मेरा बहुत समय जा सकता था वो मेरा बच जाता है। right. बहुत सारा जो दिमाग या फिर जो अपनी एनर्जी रहती है वो जिस जहाँ पे अपनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है वो मेरा कम हो गया। मैडम ने काफ़ी अच्छी तरीके से हॉस्पिटल्स के स्टाफ के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला है, और वो इस पूरे हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन प्लस स्टाफ का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती है। राइट, जैसे कि हमने सुना हुआ है राइट कि जैसे अभी कोविड आया था राइट, तो कोविड के वक्त में आपका और आपके हॉस्पिटल का क्या ऐसा इम्पोर्टेंस था या इम्पोर्टेंस बोलना चाहता कि तुमने ऐसे कैसे सर्विसेज देना है? कोई बोला कि हम चलो मैं एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल है बट तभी भी मुझे कोविड हॉस्पिटल को इसको कन्वर्ट करके लोगों को सर्विस देना ही है। शुरुआत में हमें भी डर था, डिसीज क्या है पता नहीं, पूरे वर्ल्ड से सिर्फ डेथ की न्यूज़ आ रही थी, पॉजिटिव न्यूज़ बहुत कम आ रही थी। धीरे 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 अमरावती में धीरे 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 इंडिया में केसेस आने लग गए, इंडिया से फिर अमरावती में केसेस आने लग गए, फिर एक महीना गया, दो महीने गए, केसेस बढ़ते गए। कहीं ना कहीं डर ज़रूर था कि क्या होगा, बट कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने लगी कि अभी अगर हम लोग इस सिचुएशन में पैनिक होके घर पे बैठ गए तो फिर आगे कौन जाए। राइट, आई कैन गिव माय सर्विसेज टू पेशेंट्स, ओके, एंड मैं अपने सर्विसेज फॉर COVID-19 अपने सर्विसेज एक्सटेंड कर सकता हूँ जिसके वजह से पेशेंट्स और को हेल्प होगी, और बहुत पॉजिटिवली एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से हम लोगों को इसके लिए रिस्पॉन्स मिला कि right. उन्होंने हमको इस चीज़ से पूरा अवगत कराया और हमको कोविड सेंटर स्टार्ट करने के लिए हमको उन्होंने प्रोत्साहित किया, उसके जो डूज एंड डोंट्स थे उससे हम लोगों को अवगत कराया। राइट, और फिर हम लोगों ने मैंने उस वक्त एक स्टाफ की मीटिंग ली एंड फॉर्चुनेटली मेरा पूरे स्टाफ ने उस वक्त मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया कि सर हम लोग इसको करते हैं, और एक बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल में हो गया था, और मेरे स्टाफ के भरोसे पे और पूरा फैमिली के सपोर्ट से मैंने एक कोविड सेंटर स्टार्ट किया। डर तो बहुत था, और बट डर के अगर हम लोग घर बैठ जाते तो आगे जाके आज से जब 5-10 साल के बाद जब कोविड की बात होती तो हम लोग क्या बोलते? करेक्ट, तो ये एक चीज अंदर से थी कि हम लोग करना ही चाहिए। 10 साल के बाद अगर चर्चा होंगे तो उस चर्चा का हिस्सा हम भी होंगे। इसलिए काफी तो भी इतिहास में अपना बिना भाषा लिखा है कि ये भी हॉस्पिटल कोविड में था। तो ये तो सभी मेरा प्रेजेंट वाला हो गया। आपका हॉस्पिटल को लेके फ्यूचर का क्या प्लानिंग है? अभी नेक्स्ट स्टेप के बारे में तो सोचा नहीं है, बट जैसे आपको पता है कि हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत होता है, राइट, और करीबन 35 फैमिलीज मेरे हॉस्पिटल के भरोसे डिपेंडेंट है, मेरे हॉस्पिटल पे डिपेंड है। तो आगे मेरा प्लान ये है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कुछ हेल्प हो। ओके, वॉट एवर इट मे, हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करूं, राइट, फूड इंडस्ट्रीज में कुछ करूं, ओके, या और कुछ करूं, या हॉस्पिटल्स को एक्सपांड करूं। नेक्स्ट हमारा है कि मैं तुमको कुछ लोगों के नाम बताऊंगा या फिर कुछ चीज़ों के नाम बताऊंगा, उसके ऊपर आपको बातें करनी है। तो सबसे पहले हमारा आता है मिस्टर मारुतराव बागड़े। मारुतराव सोनबाजी बागड़े मेरे पिताजी एक सर्विसमैन थे। ओके, 5 साल मिलिट्री में सर्विस दे के आए थे, और उनके अंदर हिम्मत आज भी वो मिलिट्री वाली ही है। अच्छा, आज वो तकरीबन 78 ईयर्स ओल्ड है, और उनकी वो हिम्मत देख के
मुझे हमेशा हिम्मत आती अच्छा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। वो रिटायर्ड हो गए हैं, उन्होंने मेरे एजुकेशन के लिए काफ़ी मेहनत की है, उन्होंने अपने लिए खुद के लिए कभी भी कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया वो हम परिवार वालों के लिए और हम भाई बहनों के लिए किया है। अच्छा, सेकंड है राजवीर। राजवीर मेरा बेटा 2 साल का है। अच्छा, काफ़ी नटखट है, बट उसको खेलता हुआ देख मुझे अंदर से एक उत्स्फूर्ति आती है, मुझे एक अंदर से उत्साह आता है कि ये जिस हिसाब से दिन भर खेलता रहता है और एक पॉजिटिव वाइब्स पूरे घर में स्ट्राइक, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी ऐसा बचपना हमेशा हो कि मैं जिनके साथ बैठूं, जिनके साथ बात करूं, वो मुझसे प्रभावित हो। ओके, दिस इज माय लास्ट वन, IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये था एक जमाने में लगता था कि काश अपन IAS होते, कुछ फ्रेंड्स को कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर्स बनते हुए, IPS बनते हुए देखे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाए, उनके लिए नहीं, उससे उनके पर्सनल लाइफ में भी फर्क तो पड़ेगा ही, उनके अपने पर्सनलिटी डेवलपमेंट और सारी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर वैल्यूएबल कमेंट्स। ओके, आई होप कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद में जो भी जनता देख रही है, व्यूज देख रहे हैं, उनको उनके मन में एक कुछ तो भी मोटिवेशन जागे, वो भी कुछ करने की चाह बने, इधर वो डॉक्टर हो, IAS हो, कुछ भी हो, बट वही हमारा ही मोटो है कि उसको आगे लेके जाए और लोगों के में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा कामयाब रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। For more videos, please like, share and subscribe to our channel.